अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण एनालाइजिंग डाटा परिचय इंट्रोडक्शन। हम प्रतिदिन नई नई सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, जैसे इस साल चावल के उत्पादन में 8% वृद्धि हुई, पिछले वर्ष किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर हॉकी खेली, या फिर मोबाइल कंपनी ए ने जनवरी के महीने में कितने मोबाइल बेचे। ऐसी और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है, जैसे रेलगाड़ी के आने जाने का समय, फल सब्जियों के दाम, पेट्रोल का वर्तमान मूल्य, अनाज तथा डेयरी का उत्पादन, स्टील, कोयला तथा अन्य उत्पादन। इसके अलावा और भी बहुत से आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तथा भविष्य की योजनाएँ भी बनाई जाती हैं। किस्म किस्म की जानकारियाँ कैसे ढूंढें? क्या हम अभी यह बता सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों का तापमान कैसा रहेगा, या इस वर्ष राज्य में कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ, या फिर पिछले 5 वर्षों में पेट्रोल के दामों में कितनी वृद्धि या कमी हुई। इन सभी के बारे में कुछ कह पाना संभव है, किंतु सीधे सीधे नहीं। इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें इनसे संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना होगा। अखबारों और पत्रिकाओं में विभिन्न आंकड़े जैसे फसलों के उत्पादन, मौसम संबंधी जानकारियाँ, खेलों का विवरण, खाद्य वस्तुओं के दाम आदि प्रकाशित होते रहते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आंकड़े भी सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कौन से क्षेत्र में किस बीमारी का फैलाव अधिक है, उससे कितने लोग प्रभावित हैं। इसके आधार पर यह तय करने में मदद मिलती है कि बीमारी की रोकथाम के लिए किस तरह के इंतजाम की आवश्यकता है। आज से 6-7 दशक पहले भारत में यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस साल देश में अनाज का कितना उत्पादन हुआ, कितने की आवश्यकता है और अनाज की आपूर्ति के लिए कितना अनाज बाहर से मंगवाना पड़ सकता है। आंकड़ों को विभिन्न अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया जाता है, जिससे सबको जानकारी रहे कि कौन सी योजना किस प्रकार के आंकड़ों को आधार बनाकर लागू की जा रही है तथा किस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। करके देखें। पहला, आपने गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि में भी आंकड़ों का प्रयोग होते हुए देखा होगा। आंकड़ों के कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा, कुछ पत्र पत्रिकाओं तथा अखबारों का अवलोकन कीजिए तथा इनमें छपे आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए, चर्चा कीजिए यह किस किस के बारे में हैं। तीसरा, आपके स्कूल के ऑफिस में किस तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं, पता कीजिए। चौथा, स्कूल परिसर में आपने नोटिस बोर्ड पर आंकड़े देखे होंगे, कौन कौन से आंकड़े देखे, सोचें और चर्चा करें। नीचे दिए गए सवालों के जवाब आप कहां कहां से पता लगा सकते हैं। पहला, आपके जिले में कौन सी बीमारी का फैलाव अधिक है। दूसरा, वर्तमान वर्ष में आपके जिले की जनसंख्या कितनी है। तीसरा, वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा बाजार में गेहूं तथा धान का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। कई और सरल सवाल भी। इसी तरह से कई बातें हम अपने बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे क्या आप कक्षा के सभी विद्यार्थियों से तेज दौड़ सकते हैं, या फिर आपकी ऊंचाई कक्षा के बाकी छात्रों से तुलना करने पर कम है या अधिक। इस तरह के प्रश्नों का हल हम कैसे ढूंढें? कुछ छात्र छात्रा आपसे तेज दौड़ते हैं और कुछ धीरे, कुछ आपसे लंबे होंगे, कुछ छोटे। अगर एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उसमें रानी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तथा बाकी के विद्यार्थियों की ऊंचाई इस प्रकार है, क्या इन आंकड़ों को देखकर आप यह बता सकते हैं कि रानी की ऊंचाई बाकी विद्यार्थियों की ऊंचाई की तुलना में कहाँ ठहरती है? हर बच्चे की ऊंचाई के साथ उसकी ऊंचाई की तुलना करना मुश्किल है। यदि इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर लिया जाए तो तुलना करना आसान हो जाएगा। अतः आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। इस बारंबारता सारणी में इन आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया है। तालिका 1। इस बारंबारता सारणी को देखकर क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक तो यह
कि सबसे ज़्यादा बच्चे 160 सेंटीमीटर वाले समूह में हैं। इसमें 13 बच्चे हैं। 17 बच्चे उन समूह में हैं जिनकी ऊंचाई रानी की ऊंचाई से कम है। सबसे कम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है और इसमें 7 बच्चे हैं। हम इस सारणी से और क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दोस्तों से चर्चा करें व कम से कम 5 और निष्कर्ष लिखें। इसी तरह हम तेज़ दौड़ने की बात करें तो हम देखते हैं कि सभी दौड़ने वालों की गति एक बराबर नहीं होती। यहाँ दिए गए आंकड़ों में 50 लोगों के दौड़ने की गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, यानी यह बताया गया है कि एक घंटे में वे कितने कितने किलोमीटर दौड़ते हैं। तालिका 2। यदि नफीसा के दौड़ने की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उपरोक्त तालिका की सहायता से उसकी गति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यह भी देख सकते हैं कि कितने लोग उससे तेज़ दौड़ते हैं और कितने लोग उससे धीरे दौड़ते हैं।